हाई गाइस, वेलकम टू एडु सॉल्यूशन ओवरसीज। गाइस, आज का ये वीडियो है यूरोप की एक बहुत ही ब्यूटीफुल और एडवांस्ड कंट्री नेदरलैंड्स के बारे में। गाइस, ये एक इंग्लिश स्पीकिंग सेफ एंड हैप्पी कंट्री है। यूरो है इसकी करेंसी और एक्सट्रीमली फेमस सिटी एम्स्टरडैम नेदरलैंड्स की कैपिटल है। सो गाइस, नेदरलैंड्स बिल्कुल रेडी है 24 इनटेक के लिए एप्लीकेशन लेने में, सभी बैचलर्स और मास्टर्स प्रोग्राम्स के साथ। तो गाइस, कौन कौन से कोर्स प्रोग्राम्स हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, क्या ट्यूशन फीस है, क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको रहती है, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको नेदरलैंड्स के बारे में इस वीडियो में मिलने वाली है। तो प्लीज कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सो गाइस, यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज हैं, बट नीदरलैंड्स ही क्यों? तो इसके रीजंस बहुत ही सिंपल हैं और आप लोग जानते भी होंगे कि आप नीदरलैंड से बैचलर्स करें या मास्टर्स करें, 1 ईयर का स्टे बैक PSW आपको मिलता है। साथ ही साथ जितने भी कोर्स प्रोग्राम्स हैं बैचलर्स के या मास्टर्स के, सभी इंग्लिश टॉट कोर्स प्रोग्राम्स हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पार्ट टाइम जॉब आप यहाँ पर कर सकते हैं गाइस, 16 to 20 hours पर वीक तक आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। एंड गाइस, मिनिमम वेजेस की बात करूँ तो 9 to 12 euros पर आवर तक आपका अर्निंग हो सकता है। गाइस, एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी अगर मैं बात करूँ तो आफ्टर बैचलर्स के मास्टर्स नीदरलैंड्स में एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो भी बहुत हाई रहता है। बहुत जल्दी ही आप लोगों को जॉब्स मिल जाती हैं, ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए गाइस, अब बात करते हैं एंट्री रिक्वायरमेंट्स की। सो गाइज, बैचलर्स और मास्टर्स दोनों के केसेस में मिनिमम 60 to 65% होना चाहिए। गाइज, कुछ कुछ कोर्स प्रोग्राम्स के लिए कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज 12th में मैथ्स की भी डिमांड करती हैं कि 12th में मैथ्स होना चाहिए, या फिर मतलब बैचलर्स के लिए अगर आप जा रहे हैं तो कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज कुछ कुछ कोर्स प्रोग्राम्स के लिए 12th में मैथ्स की डिमांड करती है, सबके लिए कंपलसरी नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल हम आपको बता सकते हैं। खासतौर पे अगर आप MBA के लिए चाहते हैं तो कहीं कहीं हाईली रैंक यूनिवर्सिटीज में GMAT की रिक्वायरमेंट रहती है, अदरवाइज एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है GMAT की। IELTS कंपलसरी है, तो IELTS जो है या TOEFL जो है वो आपको देना बनता है। इसके अलावा आपको GMAT वगैरह एज सच कंपलसरी नहीं है, केवल हाई रैंक यूनिवर्सिटी स्पेशली MBA के लिए कभी कभी रिक्वायरमेंट आ जाती है। गर्ल्स, वहीं अगर मैं IELTS की बात करूँ तो मास्टर्स के लिए ओवरऑल 6.5 नॉट लेस देन 6, और बैचलर्स के लिए ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5 आपको चाहिए होता है। गर्ल्स, नेदरलैंड्स की जो ट्यूशन फीस है वो भी काफी अफोर्डेबल रहती है, जो कि हार्डली 10,000 euros से स्टार्ट हो जाती है पर ईयर। बट एज पर दी यूनिवर्सिटी या एज पर दी हाईली रैंक्ड यूनिवर्सिटीज, ये 10,000 euros से स्टार्ट होके 35,000 euros तक जाती है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग 10,000 euros से हो जाती है, विच इज वेरी अफोर्डेबल। गाइस, एक और खास बात कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने 10th के बाद डिप्लोमा किया है और वो चाहते हैं कि बैचलर्स में चले जाएं, या 12th के बाद डिप्लोमा किया है वो चाहते हैं कि मास्टर्स में चले जाएं, तो गाइस नीदरलैंड्स में डिप्लोमास वगैरह एक्सेप्टेड नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि MOI भी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी, नीदरलैंड्स में एक्सेप्टेबल नहीं है। आप IELTS सर्टिफिकेट दे सकते हैं, TOEFL दे सकते हैं, PTE भी मोस्टली यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट नहीं करती है। तो गाइज, ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं गाइज, नीदरलैंड्स में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, या नीदरलैंड्स बेसिकली कौन कौन से पॉपुलर कोर्स प्रोग्राम्स हैं बैचलर्स के और मास्टर्स के, वो आप जान लीजिए, स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। बैचलर्स की बात करूं तो नीदरलैंड्स में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में आप जा सकते हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में जा सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज कर सकते हैं, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, बिजनेस एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस हैं, स्पोर्ट्स बिजनेस मैनेजमेंट में जा सकते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, इन सबसे रिलेटेड ये जितने भी फील्ड्स आप देख रहे हैं उन सबसे रिलेटेड डाइवर्सिफाई कोर्स ऑप्शंस बैचलर्स के लिए नीदरलैंड्स में अवेलेबल हैं। साथ ही गाइस, मास्टर्स की बात करूं तो मास्टर्स आप कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, बायोलॉजी, आप MBA में जा सकते हैं मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आप मास्टर्स कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में, इंटरनेशनल टूरिज्म मैनेजमेंट में, एंड आप हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में जा सकते हैं, फिनेंस एंड अकाउंटिंग ले सकते हैं, LLM कर सकते हैं, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। तो गाइज, इस तरीके के बहुत सारे डाइवर्सिफाई कोर्स ऑप्शंस नीदरलैंड्स में यूनिवर्सिटीज वाइज, कोर्स वाइज
एज पर योर एलिजिबिलिटी प्रोफाइल, आपके जो प्रोफाइल है उसके बेसिस पर हम आपको बैचलर्स या मास्टर्स के लिए सजेस्ट करते हैं, सो दैट आप प्रॉपर और करेक्ट कोर्स प्रोग्राम के लिए एक करेक्ट और प्रॉपर यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन हमारे थ्रू लगा पाए। नेक्स्ट है गाइस, कुछ यूनिवर्सिटीज जो कि नेदरलैंड्स में हैं और जो पॉपुलर हैं और जिनकी रैंकिंग काफी अच्छी है, जो हमारे पार्टनर यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं गाइस, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्वेंटे एंड गाइस रेड बाउंड यूनिवर्सिटी है, हॉग यूनिवर्सिटी है, मैस्ट्रिक्ट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, विटनबर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज है, TIO यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज स्टडी ग्रुप इंटरनेशनल सेंटर है, ग्लोबल स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ग्लोबल स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एम्स्टरडैम कैंपस। तो ये कुछ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटीज, बट गाइस जैसे कि मैंने कहा कि ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, इसके अलावा जितने भी नेदरलैंड्स की टॉप और बेस्ट अच्छे लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी के साथ हमारा पार्टनरशिप है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहें आप बेझिझक होकर एडिस सॉल्यूशन ओवरसीज के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। गाइस विटनबर्ग यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि ये नेदरलैंड्स की एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके कि बहुत सारे इंटेक्स हैं, जनरली जनवरी फरवरी या सितंबर अक्टूबर रहता है, आप लोग जानते ही हैं। बट गाइस नेदरलैंड्स की जो विटनबर्ग यूनिवर्सिटी है यहाँ पर ऑल्टरनेटिव मंथ्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, यहाँ पर ऑल्टरनेटिवली बैचेस बनते रहते हैं, तो ऐसे किसी भी इनटेक का इंतजार करने की आपको जरूरत नहीं है। कई बार इनटेक्स का वेट करने में एक साल आपका खराब हो जाता है, ठीक है। तो विटनबर्ग में अगर जाना चाहते हैं तो एक साल खराब नहीं होगा, इजिली आप जब चाहे जिस बैच में चाहे एडमिशन लेके अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली एडमिशन आप अपने जस्ट ट्वेल्थ के बाद किसी भी इनटेक में जैन फेब वॉट एवर वो आप ऑल्टरनेटिव मंथ्स के हिसाब से ले सकते हैं, उसके लिए हम आपको पूरा हेल्प करते हैं। गाइस कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी जो रिक्वायरमेंट रहती है वो आप देख सकते हैं, जैसे कि एक तो आपका पासपोर्ट चाहिए होता है और आपका PCC सर्टिफिकेट चाहिए होता है, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होता है, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन और इनकम रिक्वायरमेंट। गाइस जो शो फंड आपको दिखाना होता है दैट इज 958 यूरोस पर मंथ, इसका मतलब हुआ अराउंड 11,000 to 12,000 यूरोस का आपको शो फंड दिखाना होता है। एंड गाइस 3 months ओल्ड फंड यहाँ पे चाहिए होता है और 6 months का स्टेटमेंट चाहिए होता है। तो गाइस ये डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हम तो आपको सजेस्ट करेंगे ही और बताएंगे ही, पर आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ। सो गाइस एक्सीलेंट करियर अपॉर्चुनिटीज नेदरलैंड्स देता है, 99% वीजा सक्सेसफुल रेशियो है नेदरलैंड्स का और आफ्टर 5 years आप एलिजिबल हो जाते हैं PR के लिए। तो गाइज यूरोप जाना है तो नेदरलैंड से अच्छी कंट्री कोई हो ही नहीं सकती, हर तरीके की यूनिवर्सिटीज हैं, कोर्स प्रोग्राम्स सभी आपको मिलेंगे, बैचलर्स में जाए मास्टर्स में जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट गाइज जो नेक्स्ट 24 इनटेक है उसके लिए एप्लीकेशंस जो है वो जाना नेदरलैंड्स के लिए स्टार्ट हो गई है, क्योंकि जिन्हें जाना होता है वो वेट नहीं करते, तो आपका माइंड मेकअप हो चुका है तो आप एडु सॉल्यूशन ओवरसीज की टीम से कॉन्टैक्ट करें, चाहे तो हमारा फ्री ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन लें सो दैट आपके माइंड में जो भी डाउट्स हैं जो भी क्वेश्चन हैं वो सब क्लैरिफाई हो सके और आप आगे एप्लीकेशन लगा सके। सो गाइज थैंक यू सो मच, आई होप ये नेदरलैंड्स के बारे में ये वीडियो आपके काम का हो। और गाइज जाते जाते प्लीज मैं हमेशा कहती हूँ और आप लोग सब्सक्राइब करते भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई यूनिवर्सिटी नई कंट्री नए कोर्स नए प्रोग्राम के साथ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।